ये वाटर कूलर का प्री फिल्टर है। इस प्री फिल्टर में नल से डायरेक्ट जो कनेक्शन होता है वो प्री फिल्टर में आता है, और प्री फिल्टर में जो कनेक्शन है आउटो के और आपके आरओ में चला जाता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप किस प्रकार से प्री फिल्टर को साफ करें, किस प्रकार से इसको ओपन किया जाता है, इन पाइप को, इन और आइट पाउप आउट वाले जो पाइप है इनको कैसे खोला जाता है, इस फिल्टर को किस प्रकार से खोला जाता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही साथ ये भी हम आपको बताएंगे कि इस फिल्टर को कैसे आप साफ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर दो पाइप आपको दे रखे हैं, एक तो इन पाव इन वाला सर्किट है, एक आउट वाला सर्किट है। आउट वाला सर्किट आपका आरओ में जाता है और इन वाला जो है आपका नल से आ रहा है। पहले मैंने वाल्व को बंद कर दिया है यहाँ पर। अगर ये पाइप आपको खोलना है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको होने वाली है। ये पाइप खोलने के लिए यहाँ पर ये जो बटन दिया रखा है, ये वाल्व वाशर टाइप दिखेगा आपको, इसको अंदर दबाना है एक हाथ से और इसको फिर बाहर खींचना है, इस प्रकार से इसको खोलना रहता है। तो मैं यहाँ पे खोल के बताता हूँ आपको। इसको अंदर दबाएंगे और ये इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से ये वाला पाइप भी अपन यहाँ से खोल लेंगे। तो इस पाइप को कैसे खोलेंगे, इस पाइप को भी ये जो वाशर आपको यहाँ पर दे रखा है इसको नीचे दबाएंगे और इस पाइप को ऊपर खींच लेंगे। ये इसे दबाएंगे और ये इसको इसको इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर खींच लेंगे। ये खींच लिया, खुल चुका। अब ये फिल्टर हमने खोल लिया है, अब इनको हम खोल लेंगे यहाँ से दोनों को इस प्रकार से। ये खुल चुका है, अब इसको आप न खोले तो भी चल जाएगा। एक वाल कोई सा भी एक वाल खोल सकते हैं ताकि अपन इसमें ये पेचकस लगा सके खोलने के लिए, ठीक है। इसको पहले हम खाली कर लेंगे इस प्रकार से ताकि खोलने में कोई दिक्कत नहीं आए। ये देखो यहाँ पर गंदा पानी निकल रहा है, जूम करके दिखाइए एक बार। ये देखिए ये इतना गंदा पानी यहाँ पर निकल रहा है। ये फिल्टर आपको लगभग 1 महीने में एक बार साफ कर लेना चाहिए। अब एक तरफ हम पेचकस को लगा लेंगे इस प्रकार से, ये स्क्रू ड्राइवर है बड़ा वाला और ये इसके साथ जो खोलने का आता है ये है। अब इसको एक तरफ कैसे घुमाएंगे, इसको इधर दम लगाएंगे और इसको एक तरफ अलग तरफ खींचेंगे, इसको अलग तरफ खींचेंगे। तो इसको जैसे ही खींचेंगे तो ये आपको खुल जाएगा। थोड़ा ताकत लगाना पड़ेगा, मैंने पहले ही खोल लिया था इसको, वीडियो बढ़ानी है उसकी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ताकत आपको लगाना पड़ेगा, तो इस प्रकार से इसको खोल सकते हैं। ये मैंने खोल लिया है, अब इसको इस प्रकार से ये अलग कर लेंगे। अब हम फिल्टर निकालते हैं, ये देखो पार्ट अलग हो चुका है। अब ये फिल्टर मैंने यहाँ पर निकाल दिया है, देखो इसका कलर एकदम चेंज हो चुका है, ब्लैक हो चुका है, जबकि ये एकदम से व्हाइट होता है रियल कलर। अब इसमें देखो गंदगी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये इसमें गंदगी भरी हुई है। अब इसको आपको साफ करना है फिल्टर को। ये फिल्टर देख लीजिए नॉर्मल फिल्टर है, इसमें आप प्रेशर वगैरह लगा के साफ कर सकते हैं इसको नल वगैरह से। तब मैं यहाँ पर आपको साफ करके बताता हूँ। तो अब हम फिल्टर को धो लेते हैं इस प्रकार से। चाहे अगर आपके पास नया फिल्टर है तो आप फिल्टर चेंज कर दे तो बहुत ही अच्छा होगा। फिल्टर को आप ज्यादा यूज ना करें, 2 या 3 बार, 2 बार का भी ज्यादा इसको साफ करना, उससे ज्यादा इसको इस्तेमाल ना करें एक ही फिल्टर को। इस प्रकार से फिल्टर को आप अच्छे से साफ कर लेंगे। अब इसको साफ करने के लिए थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा, तो इस प्रकार से कहते हैं कि भी आप इसको साफ कर सकते हैं। ये देखो मिट्टी यहाँ पर निकल रही है, बारीक डस्ट ऑन करते हुए से देखो इसको कलर चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे डस्ट निकलती जा रही है। Para
फिल्टर आपका साफ हो चुका है, अब इसको भी साफ कर लेंगे हम अच्छे तरीके से। क्लीन हो चुका है, अब इसको इसमें वापस से रख देते हैं। जैसे पहले रखा हुआ था वैसे ही आप रखिए तो अच्छा रहेगा। जैसे ये नीचे की तरफ था, पहले इसमें लाइनिंग हो रही है ऑटोमेटिक, तो इसको यहां पर ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब इसको एकदम से सीधा रख के और इसको वापस से ये टाइट कर देंगे। इसको जो जब आप टाइट करोगे तो इसको आराम से टाइट करिएगा, बराबर जो इसकी चूड़ी है एकदम बराबर मिलना चाहिए, नहीं तो लीकेज होने की संभावना हो जाती है, पानी लीकेज होने की। अब इसको अच्छे से आप टाइट कर लेंगे, इसको वापस से पेचकस लगाएंगे इसी तरह जैसे पहले लगाया था, और इसका उल्टा आप इसको घुमा देंगे। ऐसे तो खुलेगा तो आप उल्टा घुमा दीजिए, इसको अच्छी तरीके से मैंने टाइट कर लिया है। ठीक है, टाइट इतना हो जाना चाहिए कि आपका इसमें पानी न निकले। अब इसको मैं वापस से लगा दूंगा, अगर आपके पास टेफ्लॉन टेप है तो टेफ्लॉन टेप इस पर राउंड करके लगा दीजिए, जिससे कि पानी आपका लीकेज नहीं होगा। मैं इसको वापस से टाइट कर देता हूँ। अगर इसमें इसको लगाने के बाद लीकेज होता है, पानी लीकेज होता है, तो आपको टेफ्लॉन टेप यूज करनी वापस खोल के और फिर इसको वापस दोबारा लगा देना है। इसको टाइट अच्छे से करना होगा। ये अच्छे से टाइट हो चुका है। ठीक है, अब मैं इसको वापस से टांग देता हूँ। अभी आपको ध्यान रखना है इन वाला इन में लगेगा, आउट वाला आउट में लगेगा। ये इन है, इन आपका जो नल से कनेक्शन आ रहा है वो इन में कनेक्ट हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर इसको टांग दिया है। और ये नल वाला जो कनेक्शन है इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। इसको आपको अच्छे से दबा के लगाना है। ठीक है, अब खींचे भी देख लीजिए, ऐसे खींचेगा नहीं। ठीक है, दबा के लगा देना है और इसी प्रकार से इस पाइप को मैं लगा देता हूँ जो आउट वाला पाइप है। तो ये आउट वाला पाइप है और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। थोड़ा प्रेशर आपको फील हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ अटका हुआ है, ऐसा लगेगा पाइप जब आप लगाएंगे। हो चुका है, मैं यहाँ पे वाल्व ऑन कर देता हूँ। अब देखते हैं कि इसमें कोई लीकेज होता है या नहीं होता है। तो ये वाल्व है, ये पहले फिल होगा फिर इसमें पानी जाएगा। यहाँ पर ये हमारा जो आरओ है पानी से भरा हुआ है, तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, इसको मैं थोड़ा सा खाली कर देता हूं। अब ये हमने आरओ को ऑन कर दिया है। अब आप यहां पर कनेक्शन को देख सकते हैं आराम से कि कहीं आपका लीकेज तो नहीं है, यहां से इन से और आउट से। ये इन है, ये आउट है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई कनेक्शन तो लीकेज आपका नहीं है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से ये हमारा कनेक्शन हो चुका है, अच्छे तरीके से मैंने टाइट किया है, तो यहां पर कोई कनेक्शन लीकेज नहीं है। दोस्तों, ये हमारा वीडियो था जिसमें हमने आपको आरओ के प्रीफिल्टर को किस प्रकार से साफ किया जाता है और किस प्रकार से इसको ओपन किया जाता है, ये प्रोसेस मैंने बताया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये टेक्निक आपको अच्छी लगी है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नया आइडिया के साथ, नई मशीनरी टेक्निकल वीडियो के साथ। धन्यवाद।